Good morning, student. I just start the chapter number 3. Actually, we had already discussed about this chapter 3. Okay, chapter 3, हमने कुछ टॉपिक्स उसमें से पढ़ लिए हैं. मतलब ऑलमोस्ट डन था हमारा वो चैप्टर, बस उसमें का एक टॉपिक हमारा बच रहा है, टेस्ट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ओके, सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है. फैक्टर एंड मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर, राइट, एंड दी कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. ओके, सो अब हम इस पूरे वीडियो में टेस्ट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे. इसमें आपको पढ़ना क्या है बता दूँ मैं क्लियर, कि जो 2, 3, 6, 8, आपसे कोई पूछता है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप नहीं बता पाते हो. तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल आपको याद है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डिविजिबिलिटी बाई 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट इज दिस इन इट्स वंस प्लेस. आपको देखना है कि किसी भी कोई भी नंबर होगा आपका, उसमें जो वंस प्लेस पे वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, 0 होगी, 8 होगी, 6, 4, कुछ भी. अगर ये सारे नंबर्स हैं देन इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तब वो डिविजिबल होगा 2 से. ओके, बस आपको क्या फाइंड आउट करना है उसमें, कोई किसी भी नंबर में आपको देखना है जो वंस प्लेस पे ये सारे नंबर्स होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर है दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी बाई 3. अब 3 को कैसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से रूल जानना है. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3. हमारे पास जो डिजिट दिया है उसका जो सम आएगा, अगर वो 3 का मल्टीपल है देन वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट. एग्जाम्पल देखिए, 27 नंबर है, हमने उसको प्लस किया, 2 + 7 = 9, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. 54 हमने किया, 5, 4, 9, इट इज़ ऑल्सो अ डिविजिबल बाई 3, मल्टीपल ऑफ 3. 12 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. मतलब आपके पास जो भी नंबर होगा आप उसको ऐड करेंगे, जब ऐड करने के बाद आपने देखा कि अगर वो 3 का मल्टीपल होगा दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल होगा. ओके, आई होप 2 और 3 आपको समझ आ गया होगा. डिविजिबिलिटी बाई 4. अब डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करने के लिए हमें क्या करना है. अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाई इट्स अ लास्ट 2 डिजिट दैट इज़ 1s and 10s इज डिविजिबल बाई 4. अब आपके पास कोई भी नंबर है उसको क्या करना है आपको, 2 में हमने क्या देखा था वंस प्लेस पे, बट 4 जब हमें 4 चेक करना होगा कि 4 डिविजिबल है कि किस नंबर या नहीं, उसमें हमें टेंस प्लेस देखनी है. आपको पता है ना टेंस प्लेस कौन से होते हैं, वंस, 2 वंस की प्लेस पे है एंड 1 टेंस की प्लेस पे. इसमें वंस की प्लेस पे 6 है, 2 टेंस की प्लेस पे 3 है, राइट. तो आपको देखना है कि ये जो नंबर टेंस प्लेस के नंबर जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है. ओके, मतलब 4 अगर वो नंबर डिविजिबल है, मतलब जो टेंस प्लेस की जो वैल्यू है अगर वो डिविजिबल है 4 से दैट मीन्स वो पूरे नंबर डिविजिबल है. मतलब 212 इज़ डिविजिबल बाय 4, 9532 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. बस आपको टेंथ प्लेस की वैल्यू देखनी है, अगर वो डिविजिबल है 4 से दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है. ओके, डिविजिबिलिटी बाई 5. अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 or 5 इन इट्स वंस प्लेस इज कॉल्ड डिविजिबल बाई 5. अब हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसका वंस प्लेस देखना है, या कि 0 हो, ठीक, मान लीजिए सपोज करिए 7, 5, 8, 5, 5, ये 5 वंस प्लेस पे है, मतलब 0 और 5 अगर है दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल है 5 से, मतलब 7, 5, 7, 0. आपको सिर्फ सिंपली चेक क्या करना है, वंस प्लेस चेक करना है उसका कि 0 है या 5 है. अगर 0 या 5 है दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल है 5 से. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि बहुत ईजी वे है फाइंड आउट करने का कि 4 और 3, 2 किससे डिविजिबल है.
Now divisibility by 6. If a number is divisible by 2 and 3, both. अगर कोई भी number 2 and 3, दोनों number, अगर divisible है किसी number से, then it is divisible by 6 also. आपके पास एक number है 18 दिखाया example में, ठीक है? अब आप देखिए, ये 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है, right? तो अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दैट मींस कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा. ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, आप फाइंड आउट करना कि जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से डिविजिबल. नाउ कम टू द डिविजिबिलिटी बाय 8. अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. अभी हमने देखा था, कंपेयर करिए, टू जो टू की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें वंस प्लेस चेक करना था, फोर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें टेंस प्लेस चेक करना था. नाउ अब हमें यहाँ पे थ्री डिजिट चेक करना है, मीन्स 100 प्लेस चेक करना है. ओके, तो अगर वो तीन नंबर डिविजिबल हैं, मतलब फोर और, अगर वो जो थ्री डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है एट से, दैट मीन्स वो होल नंबर डिवाइड होगा एट से, राइट? डिविजिबिलिटी बाय 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इट्सेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. आपके पास कोई नंबर है, आपको देखना है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है. पहले उसका क्या करना है, हमें सम करना है. जैसे आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आपके पास 4608 ये नंबर है, हमने सबको प्लस किया, हमारा रिजल्ट क्या आया, 18. 18 इज़ डिविजिबल बाय 9. तो इसमें यही कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर कोई भी नंबर का सम करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 9 का डिविजिबिलिटी है. ओके, 18, 1 प्लस 8 इज 9, 9 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 इट्सेल्फ. ओके, 10, डिविजिबिलिटी बाई 10. अब 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन इट्स वंस प्लेस, देन इट्स डिविजिबल बाई 10. अगर कोई भी नंबर उसकी वंस प्लेस पे 0 है, देखिए सब पे 0 है ना, दैट मीन्स ये होल नंबर डिविजिबल बाई 10. इसमें 5 का कोई रोल नहीं है, 2 का कोई रोल नहीं, अगर 0 है तभी वो डिविजिबल है 10 से. ओके, नाउ 11, डिविजिबिलिटी बाई 11. डिविजिबिलिटी बाई 11, उसका कुछ रूल है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए. द रूल इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर. इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11. इसमें क्या है, सपोज करना है आपको एक नंबर लिया है हमने, ये देखिए आपके पास ये है. पहले हमने नंबर से सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट, सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस एंड डिफरेंस, ठीक है? अब देखिए वो जो लिखा है डेफिनेशन जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं पूरा कॉलम वाइज समझाऊंगी, ठीक है? ये देखिए, फर्स्ट है 308. अब इसमें क्या है, हमारे पास जो ये नंबर है उसमें सम ऑफ द राइट, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस. अब इसका सम करना है हमें ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट, राइट मतलब पीछे साइड से, मतलब ज़ीरो, ये पीछे साइड से 8 0 3. तो हमें सम करना है अभी कौन सी प्लेस का, ऑड प्लेस का. ऑड प्लेस पे 8 है, देन 3 है, ये 1 और 3 ऑड प्लेस पे आया, मीन्स ए वंस प्लेस पे आपका 8 है और 3 मतलब वो भी ऑड प्लेस है, तो वहाँ पे 3 आया, तो 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, राइट? और आपका 0 जो है वो इवन प्लेस पे है, पीछे से आपको काउंट करना है 1 2 3, राइट? फिर इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, 11 माइनस 0 इज़ 11. अभी आप इतना समझिए, फिर मैं आपको पीछे से समझाऊंगी कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 13 31, पीछे से हमें ऑड नंबर निकालना है, तो ये आया 1, फिर ये 3, मतलब 1 2 3 4, ये चार डिजिट के नंबर हैं जिसमें से 1 आपका
वन प्लेस प्लेस पे है, थ्री आपका सेकंड प्लेस पे है, थर्ड आपका थर्ड प्लेस पे है, फोर्थ आपका वन प्लेस पे है. ओके, फोर्थ प्लेस पे क्या है, वन है. तो पहले हमने ऑड प्लेस का लिया पीछे से राइट साइड से, तो वन एंड थ्री आया, वन एंड थ्री इक्वल्स टू फोर. फिर वन और फोर की वैल्यू निकाली हमने, सॉरी टू एंड फोर की वैल्यू. तो टू आपका टू की प्लेस पे क्या है, थ्री है, और फोर के प्लेस पे वन है, राइट. तो ये क्या हुआ, फोर इक्वल्स फोर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. इनके वैल्यूज़ को हमें डिफरेंस निकालना है. तो उससे क्या वैल्यू जो भी आएगी, इलेवन और ज़ीरो वैल्यू अगर आती है तभी वो डिविजिबल है फोर का. एक और देखिए आप, अभी ये देखिए, नाइन ज़ीरो एट वन सिक्स, ये वन हो गया, वन ज़ीरो टू पे है, ये थ्री फोर फाइव, ये पांच प्ले इस फाइव डिजिट के नंबर हैं. तो अब आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं. तो पहले आपने लिखा नाइन, फिर थ्री की जगह पे क्या है, थ्री वाले नंबर पे एट है, देन सिक्स ऑड नंबर, जो सबको मिलाया तो कितना है, ट्वेंटी थ्री. फिर टू और फोर की वैल्यू पे लिखा हमने ज़ीरो प्लस वन, ये इवन प्लेस के नंबर्स हैं. देन उसको माइनस किया तो ट्वेंटी टू आया, और ट्वेंटी टू इज़ डिविजिबल बाई इलेवन. ओके, तो यही कह रहा है, इसका जो रूल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर. जो जब हम दोनों नंबर को, ऑड और इवन नंबर का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आएगी ज़ीरो और इलेवन. अगर ये दो वैल्यूज़ आती हैं दैट मीन्स वो इलेवन का डिविजिबल है. ओके, सो ये आपका डिविजिबिलिटी चेक हो गया है. और इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट आस्क मी. ओके, थैंक यू सो मच.